नेक्स्ट जो मोबाइल्स लॉन्च होंगे ना वो लोगों के माइंडसेट बन चुके होंगे कि ये प्राइस टैग इतने की आई और ये इतने का क्यों बेच रहा है। तो लोग क्वेश्चन करेंगे, कंपनी से करेंगे, रिटेलर से करेंगे और होलसेलर से भी करेंगे। जो कंपनी आ रही है बस पाकिस्तानियों को लूटी जा रही है, पाकिस्तान में पैसा बनाई जा रही है। खाली एक इन्फिनिक्स की बात नहीं कर रहा, रेडमी नोट 12 आया हुआ है, कैमन 20 आया हुआ है टेक्नो का, ठीक है, और कैमन की वो स्पार्क सीरीज आई हुई है जो कि आईफोन जैसी है, वो भी एक्सपेंसिव जा रही है। क्या चीज पाकिस्तान में जो है यार वो एक अपने लेवल पे जा रही है, कुछ भी नहीं जा रहा, जो भी जा रहा है सब कुछ एक्सपेंसिव जा रहा है और जो ऑफिशियल प्राइस है उससे 10 गुना ज्यादा जा रहा है। मसला तो कोई नहीं है, टेंशन थोड़ी है, अपने बाप का माल है, जब जहाँ जिसको मर्जी है चार्ज करो। इन्फिनिक्स नोट 30 VI कब लॉन्च होने वाला है पाकिस्तान में? तो उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इन्फिनिक्स की नोट सीरीज में 4 मोबाइल लॉन्च हुए हैं, लॉन्च होने हैं, मतलब कि 2 तो खैर लॉन्च हो चुके हैं लेकिन 2 बाकी हैं। सबसे पहले नोट 30 लॉन्च हुआ है, उसके बाद नोट 30 प्रो लॉन्च हुआ है, अब बारी है नोट 30 VIP की, एंड लास्ट में आना है नोट 30 आई। नोट 30 एंड नोट 30 प्रो का तो हमें पहले से आइडिया है कि कितने का है, कितने का मार्केट से मिल रहा है और क्या सीन हुआ है इस टाइम मार्केट में। ऑलरेडी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, इससे पहले चैनल पे जाके देखें। इन्फिनिक्स नोट 30 वर्सेस नोट 30 प्रो भी बना चुका हूँ, इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो वर्सेस नोट 30 VIP भी बना चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो नोट 30 VIP की बात करते हैं कि पाकिस्तान में आखिर लॉन्च कब होना है। तो यार अदर कंट्रीज में तो लॉन्च हो चुका है लेकिन पाकिस्तान का एक इशू ये आता है कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सबसे लास्ट में आती हैं और जब आती हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती हैं। तो जिस तरह से नोट 30 प्रो की अगर बात करें तो ये 61,000 रुपये का जो है वो कंपनी प्राइस है लेकिन मार्केट में ये 85K तक जो है वो सेल आउट हो रहा है, 70, 75, 80 जहाँ जो फर्स्ट है उससे वहाँ पर ये चार्ज कर रहे हैं। तो नोट 30 की जो प्राइस टैग है वो 53,000 है, 53,999 मतलब 54,000 रुपीज, लेकिन इसका जो मार्केट में चार्ज कर रहे हैं वो 60,000 के आसपास, 60-65, कम से कम भी जो चार्ज कर रहे हैं ना वो ऑलमोस्ट आपको 56,000 से 57,000-58,000 के आसपास चार्ज कर रहे हैं कम से कम, और हाई तो किसी जगह जा रहे हैं। ये भी 8 to 56 वेरिएशन में लॉन्च हुआ है। इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो की बात करें, 8 के साथ 8 एक्सटेंडेड रैम है, एक्सटेंडेड रैम जो होती है वो है और 256 के साथ है। अब नोट 30 VIP की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो है 12 GB रैम है एंड 9 एक्सटेंडेड रैम है, मतलब 21 GB रैम है विद एक्सटेंडेड रैम, साथ में 256 GB जो है इसकी स्टोरेज है। ओवरऑल इसकी स्पेसिफिकेशन सब को जो है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर चुका, उसको आप जाके देख सकते। आज की वीडियो जो है वो कुछ प्राइस कंपैरिजन है इनके मार्केट के बारे में है कि कितने की मार्केट में मिल रही है और VIP लॉन्च कब होना है। कंपैरिजन तो इन मोबाइल के मैं सारे कर चुका हूँ ऑलरेडी, अब बात करते हैं कि नोट 30 VIP मार्केट में लॉन्च कब होगा। वैसे तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो थी वो 3rd August, 4th August, 5th August थी लेकिन अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ और अभी दूर दूर तक जो है ना इसका कोई भी पता नहीं है कि कब लॉन्च होना है पाकिस्तानी मार्केट में। ब्लैक में आपको जरूर मिल सकता है लेकिन पता नहीं कितने का मिलने वाला है। आई थिंक सो ये 90+ ही मिलेगा, 1 lakh के आसपास ही आपको ये मार्केट में मिलेंगे क्योंकि पाकिस्तानी जो सेलर्स हैं वो माशाल्लाह से कह सकते हैं बड़े नेक दिल हैं और उन्होंने पूरे मार्केट की माँ बहने की हुई है। तो खैर जो भी इन्फिनिक्स कंपनी को भी देखना चाहिए यार इन्फिनिक्स नोट 30 एंड नोट 30 प्रो कितने का मार्केट में सेल हो रहा है। आगे आने वाले जो मोबाइल्स हैं ना उनको मेरा नहीं ख्याल कि इतना हाई प्राइस टैग में कोई खरीदेगा, क्यों? क्योंकि यार आपकी प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप लोग। जब प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाओगे, खैर इनकी तो खैर है, ये लोग जो ले रहे हैं वो ले लेंगे लेकिन नेक्स्ट जो मोबाइल्स लॉन्च होंगे ना वो लोगों के माइंड सेट बन चुके होंगे कि ये प्राइस टैग इतने की आई और ये इतने का क्यों बेच रहा है। तो लोग क्वेश्चन करेंगे, कंपनी से करेंगे, रिटेलर से करेंगे और होलसेलर से भी करेंगे, क्यों आप इतने का सेल कर रहे हो और किस वजह से कर रहे हो। तो यहाँ से जब लोगों का माइंड सेट चेंज होगा ना तो यकीन है मुझे कि आप लोगों की जो इंशाल्लाह ये प्राइस ओवर प्राइस टैग जो लोगों को दे रहे हो इंशाल्लाह आप जो है बिल्कुल लेवल पर आ जाओगे और लोग खरीदना छोड़ देंगे क्योंकि अब लोग जो है थोड़े समझदार भी हो गए हैं और बाइकॉट भी इंशाल्लाह इसको करेंगे आने वाले मोबाइल्स को। नोट 30 VIP का भी यही सीन है भाई लोग, अभी इसकी डेट का कोई आइडिया नहीं है, अदर कंट्रीज में लॉन्च हो चुके हैं लेकिन पाकिस्तान में कंपनीज भी जो है वो पाकिस्तानियों को नचोड़ रही हैं और पाकिस्तानी भी पे किए जा रहे हैं। यार एक हलाल का पैसा जो इंसान 12 महीने या फिर जब भी जितना भी टाइम है वो अपना सेविंग्स करता है ताकि वो एक अच्छा मोबाइल सेट ले सके, लेकिन जब मार्केट जाता है वो ऑफिशियल प्राइस से मार्केट में आपको 10,000-20,000 जो है एक्स्ट्रा पे जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं, तो यार क्यों खरीदते हैं, किस वजह से खरीदते हैं। तो नोट VIP का भी यही हाल होना है, क्यों कंपनी ने इसको लॉन्च नहीं किया अभी तक। अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी गया था, वहाँ पे नोट 30 जो है मैंने सीरीज सर्च की, नोट 30 आ रहा था, 30 प्रो आ रहा था लेकिन नोट 30 VIP लॉन्च नहीं हुआ पाकिस्तान में। वैसे एक्सपेक्टेड डेट इसकी 3rd August थी, पहले आई थिंक से जुलाई थी
जुलाई से अगस्त हो गया, अब अगस्त में भी लॉन्च नहीं हो रहा। क्यों लॉन्च नहीं हो रहा? क्योंकि यार नोट 30 प्रो ही अभी डिमांड में जा रहे हैं ना, तो नोट 30 प्रो जो ओवर प्राइसिंग बिक रहा है, जब ओवर प्राइसिंग वो बिक रहा है, उन्हें क्या तकलीफ है अभी नोट 30 VIP लॉन्च करने की। जब नोट 30 VIP लॉन्च करेंगे, इसका 1-1 लाख चार्ज करेंगे, 1,20,000 चार्ज करेंगे ना, मसला तो कोई नहीं है, टेंशन थोड़ी है, अपने बाप का माल है, जब जहाँ जिसको मर्जी है चार्ज करो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नोट 30 आ ही आता है, तो खैरियत इन फ्यूचर आने वाला है, जब नोट 30 आ ही आएगा तो उसका अलग चार्ज करेंगे। यार थोड़ा ही जो कंपनी आ रही है बस पाकिस्तानियों को लूटी जा रही है, पाकिस्तान में पैसा बनाई जा रही है। इंडिया में जो है नोट 30 प्रो की प्राइस आई थिंक 19,000 के आसपास है, तो कमेंट भी आए मैं इंडिया से मुझे कि यार इतने का अमेजोन पे मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अमेजोन भी नहीं है, दराज है एक वहाँ पे ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक रहता है, और एक्सपर्ट जून की वेबसाइट वो भी आउट ऑफ स्टॉक रहती है। अब रेडमी नोट 12 ऑफिशियल दराज पे है लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है भाई, ऑफिशियल जो है ये आई थिंक 6128 के वेरिएशन में आपको मिल रहा है, लेकिन नहीं है भाई रेडमी वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, हर चीज़ की ओवर प्राइस जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है कि आप क्यों ओवर प्राइस चार्ज कर रहे हो। इवन कंपनीज का काम बनता है कि वो इस चीज़ को देखें कि यार ओवर क्यों करे, कंपनीज का ये भी काम है कि वो कम से कम अपना एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दें जहाँ पे 59,999 रुपीस का यार अपने कस्टमर्स को दें। क्यों अपने जो होलसेलर्स हैं उनको कम रेट में देते हैं, और वो जो होलसेलर है ब्लैक में पहले ही स्टॉक कर लेते हैं, जब स्टॉक कर लेते हैं फिर आगे जाके हैवी अमाउंट में बेचते हैं, और फिर इन्फिनिक्स का, रेडमी का, ये जो भी कंपनी है, जो भी ब्रांड है जिसके मोबाइल उन्होंने स्टॉक किए होते हैं, उसको बदनाम करते हैं और लोगों को क्यों गुस्सा, मतलब कि एक गुस्से वाली फीलिंग्स देते हैं कि यार इन्फिनिक्स क्या कर रहा है। हालांकि इन्फिनिक्स को आई डोंट नो कि पता भी होगा या फिर पता होगा या फिर उसे सपोर्ट करें, आई डोंट नो, लेकिन उसे ये चीज़ तो ज़रूर देखनी चाहिए कि लोगों का जो माइंड है अब जो है ऑलरेडी बहुत सी बातों पे फटा पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद ये प्राइस टैग यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं, और कुछ लोगों को अभी आइडिया ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में। उन्हें तो बाजारों को ये पता नहीं है कि 61,000 की रेंज में आया हुआ या फिर वाकई ही 80,000 रुपये की रेंज में आ रहा है, तो वो बेचारे दे देते हैं, रिटेलर्स और होलसेलर बैठे हैं अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। ये कुछ सीन था नोट 30 VIP के साथ साथ, और भी बहुत सी चीज़ें जो है मैंने मैंशन कर दी, और यार काफ़ी मुझे खुद इंटरनली बहुत ज़्यादा एक गुस्से वाली फीलिंग्स हैं कि यार कंपनीज आखिर कर क्या रही हैं। खाली एक इन्फिनिक्स की बात नहीं करा, रेडमी नोट 12 आया हुआ है, कैमन 20 आया हुआ है टेक्नो का, ठीक है, और कैमन की वो स्पार्क सीरीज आई हुई है जो कि आईफोन जैसी है, वो भी एक्सपेंसिव जा रही है। क्या चीज़ पाकिस्तान में जो है यार वो एक अपने लेवल पे जा रही है, कुछ भी नहीं जा रहा, जो भी जा रहा है सब कुछ एक्सपेंसिव जा रहा है, और जो ऑफिशियल प्राइस है उससे 10 गुना ज्यादा जा रहा है। लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर यही सारा सीन चलता रहा तो मोबाइल की जो इनकी सेल्स है ना, क्योंकि मैं खुद भी मार्केटिंग का बंदा हूँ और लोगों को ये चीज़ नॉलेज होना शुरू हो गई है, तो ऐसा ऐसा करते करते स्टेप जो यहाँ पर है ना, ये ऐसा करते करते यहाँ पर आएंगे, और जब यहाँ पर आएंगे ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगे, जब क्रेडिबिलिटी खो देंगे तो लोग इन्हें परचेज करना नहीं मुनासिब समझेंगे। क्यों क्यों भाई? तो ऐसे ही गिनी चुनी कंपनीज हैं पाकिस्तान में मोबाइल्स की, और ये अपनी मनमानियां कर रहे हैं। डॉलर काफ़ी ऊपर गया हुआ है लेकिन इसके बावजूद इतनी प्राइस टैग नहीं बनती है, अगर डॉलर के कंपैरिजन में नोट 30 प्रो की प्राइस करें भी तो उतना नहीं बनता जितना इन्होंने प्राइस टैग यहाँ पे लॉन्च किया। और आगे अब सवालात जो है ये मजीद जन्म ले रहे हैं और उठते जा रहे हैं, क्योंकि प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जब प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं ये सवालात जो पहले दबे हुए थे अब वो भी रेज करेंगे और आपसे पूछेंगे, और ये कंपनी से पूछेंगे ना कि होलसेलर से पूछेंगे, और ना ही उन रिटेलर से पूछेंगे जो आपके मोबाइल्स बेच रहे हैं। एक डिस्क्लेमर भी है आपके लिए कंपनीज के लिए, और एक वार्निंग भी है कंपनीज के लिए कि यार इस चीज़ को कंट्रोल करें, ओवर प्राइस जो रिटेलर्स और सब कुछ बेच रहे हैं ये आपको कंट्रोल करना, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो वही बात है यहाँ पर होना, ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, ठीक है, जो हमारे कस्टमर हैं, हमारे नहीं आपके जो कस्टमर हैं, ऐसा यहाँ पर हो ना, यहाँ से यहाँ पर आओगे एक स्टेप, फिर यहाँ से एक स्टेप यहाँ जाओगे, एक यहाँ से यहाँ जाओगे। मुझे इतना नॉलेज जरूर है कि आने वाले कुछ सालों में, एकदम से नहीं होने वाला, कुछ सालों में आपकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी, और इंशाल्लाह गिरेगी। क्यों? क्योंकि आप ओवर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसका एक सिंपल सा एक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कंपनीज को, खैर इतना ज्यादा व्यूज तो नहीं आते मेरे, और ना मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ मैं कि आपको ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि आने वाले कुछ सालों में लोग जो है ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत फटे पड़े हैं, और ये ओवर प्राइस टैग जो है मार्केट में गूंज रही है और सरेआम बेच रहे हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपका इतना काम है कि आप एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करो जहां पर आपका जो कस्टमर है डायरेक्ट आपसे परचेस करे, आपसे परचेस करेगा तो जो लोकल मार्केट वाले हैं ना वो ऑलरेडी आपको कम प्राइस टैग में देंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी आपको इतने प्राइस टैग में दे रही है,
तो ऑफिशियल प्राइस में दे रही है, ऑफिशियल मोबाइल दे रही है, ऑफिशियल वेबसाइट से दे रही है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर की पहली प्रायोरिटी जो होगा वो वेबसाइट होगी जो ऑफिशियल उन्होंने लॉन्च किया, ना कि ये रिटेलर्स होंगे। अनलिमिटेड स्टॉक वहाँ पे रख के लोगों को अपने कस्टमर्स को देंगे, तो जाहिर सी बात है फिर आपका जो कस्टमर है आपके साथ डायरेक्टली लिंक होगा और आपसे बाय करेगा। तो यहाँ से एक ये हो सकता है काम के जो ओवर प्राइसिंग है ये साथ से हट जाएंगे। और अभी तो आपने इन्फिनिक्स वालों ने एक्सपायर का एक मजाक किया हुआ है, तो उस पर तो मोबाइल उन्होंने खैर जब वीडियोज वगैरह बनी तो उन्होंने मोबाइल इन लिस्ट ही करना छोड़ दिया, मतलब कि इन लिस्ट हुआ हुआ था उसको हटा दिया और जस्ट वहाँ पे नोट 30 जस्ट अवेलेबल है और कुछ और दो मोबाइल इन्फिनिक्स के जो है वो ओल्ड मॉडल में वो अवेलेबल है। ऑनलाइन पाकिस्तान में एक तरह से समझ लो कि मजाक चल रहा है, क्यों? क्योंकि यार है ही मजाक, पाकिस्तान तो है ही मजाक, जो आ रहा है इसको लूटे जा रहा है, लोगों में से पैसे निचोड़ के लेके जा रहे हैं। तो खैर लोगों को ये बात खुद सोचनी चाहिए कि यार ये एक आखिर कंपनी इनके साथ कर क्या रही है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा भड़का हुआ हूँ। तो आज इसी चीज़ पे मैं नोट 30 VIP का बताने आया था, लेकिन जो हालात देख रहा हूँ मार्केट के ना, इंटरनली जो गुस्सा है वो मैं यहाँ पे आपके सामने पोर्ट्रेट मेरा हो रहा है। तो खैर मैंने वीडियो और बनानी थी लेकिन मैं किसी और साइड पर भी चला गया। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।